हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना चैप्टर नंबर 10 इंटरनल रेट खत्म करने वाले हैं। पहले 2 मिनट लगाएंगे, देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, फिर आफ्टर आज की क्लास को करेंगे कंटिन्यू। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 10 दे रखा है इंटरनल ट्रेड। सबसे पहले बच्चों, हमने ट्रेड का मतलब देखा था। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। फिर ट्रेड फर्दर हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए थे। एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड, जो भी किसी की बाउंड्रीज के अंदर होता है, और दूसरा हमने देखा था एक्सटर्नल ट्रेड, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होता है। फिर देयर आफ्टर बच्चों, हमने इंटरनल ट्रेड के फर्दर 2 पार्ट्स क्लासिफाई किए थे। पहला था हमारा होलसेल ट्रेड, दूसरा था हमारा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब बल्क में परचेज होती है, बल्क में सेल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल पर्पस या फिर इंटरमीडिएट यूज पर्पस, उसे हम होलसेल बोलते हैं। और जो होलसेल ट्रेड करता है उसे हम होलसेलर बोलते हैं। फिर बच्चों, हमने देखा था सर्विसेज ऑफ होलसेलर, जो वो मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करते हैं और फिर या तो वो रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये चीज हमने देखी थी। फिर सेकंड क्लास के अंदर बच्चों, हमने देखा था रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड क्या होता है? वो पर्सन जो होलसेलर से सामान खरीदता है बल्क में और अल्टीमेट कस्टमर को फॉर पर्सनल यूज या फिर फॉर नॉन बिजनेस यूज स्मॉल क्वांटिटीज में देता है। और जो रिटेल ट्रेड करता है उसे क्या बोला जाता है? रिटेलर बोला जाता है। फिर बच्चों, हमने देखी थी सर्विसेज ऑफ रिटेलर। पहली सर्विस जो वो मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर को देते हैं, और दूसरी टाइप की सर्विसेज जो अल्टीमेट कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये चीज तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर बच्चों, हमने देखा टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ये चीज हमने देखी थी। इसके 2 पार्ट्स हमने फर्दर क्लासिफाई किए थे। पहला, जिनके पास अपनी खुद की फिक्स शॉप नहीं होती है, और सेकंड, जिनके पास अपनी खुद की फिक्स शॉप्स होती है। जिनके पास फिक्स शॉप नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? इट इन एन रिटेलर्स बोला जाता है, जिसके हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे थे। पहला एग्जाम्पल था पेडलर्स एंड ऑकर्स, दूसरे थे हमारे मार्केट ट्रेडर, तीसरे थे हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स, और चौथे थे हमारे चीप चेक्स। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज हमने पढ़ा था। फिर बच्चों, हमने पढ़ा था फिक्स शॉप्स रिटेलर्स के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उनके पास एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होती है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, जो कि वो चेंज नहीं करते हैं। फिर फर्दर इसके हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहले स्मॉल शॉपकीपर्स, और दूसरे थे हमारे लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल शॉपकीपर्स के अंदर फिर बच्चों, हमने 4 रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था। पहले थे हमारे जनरल स्टोर, दूसरे थे हमारे स्पेशलिटी शॉप, जिसके अंदर एक ही तरीके के गुड्स मिलते हैं। तीसरा बच्चों, हमने देखा था स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जो कि छोटी दुकानें होती है, कोनों में लगी रहती है और फिक्स होती है। और चौथा हमने देखा था सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, जहाँ पे सेकेंड हैंड आइटम्स मिलते हैं। फिर बच्चों, हम लार्ज रिटेलर्स के पास पहुंच गए थे, जिसके अंदर हमने मेन 2 लार्ज रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था। पहले थे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर, दूसरे थे हमारे चेन स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हमने देखा था कि बच्चों बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, मतलब काफी बड़े स्टोर्स होते हैं, जिसके अंदर एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आपको मिल जाती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर इसके हमने एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे। देयर आफ्टर बच्चों, हमने चेन स्टोर्स के बारे में पढ़ा था। चेन स्टोर्स कौन सी होती है? जो एक ही ब्रांड नेम से चलती हैं और पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई होती हैं। उनकी सेम थीम होती है, सेंट्रली ऑपरेटेड होते हैं, वही उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज को बनाते हैं। फिर बच्चों, हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। बच्चों, ये था अभी तक जो हमने पिछली 4 क्लासेस के अंदर पढ़ा है। आज बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे मेल ऑर्डर हाउसेस। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस के बारे में। इसको मैं जूम कर देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। बच्चों, मेल ऑर्डर हाउसेस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअल में होते क्या है। बच्चों, इसके एग्जांपल्स आपने बहुत देखे होंगे। आप जब भी टीवी ऑन करते होगे, आपको एक नापतोल की एड आती होगी कि ये चीज मिल रही है, फटाफट कॉल करिए, स्टॉक लास्ट फॉर 15 मिनट्स ओनली, अगर आपने अभी फोन नहीं किया तो हम मौका गवा देंगे। ठीक है, आपने स्लिम सोना बेल्ट के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, आपने वो चीप मोबाइल्स के बारे में सुना होगा, जो टीवी पे एड आती है, सस्ता सा मोबाइल है, 1500-2000 का मोबाइल है, HD वीडियो चलती है, इंटरनेट चलता है, सब कुछ उसमें बढ़िया चलता है। या फिर आपने कभी न्यूज़पेपर खोला होगा तो उसके अंदर पैम्पलेट्स निकले होंगे कि आपके घर के बगल में कई कॉलोनी के आसपास एक शॉप ओपन हुई है, आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके अपना सामान मंगा सकते हैं। ये चीज आपने देखी है। कभी आपने देखा होगा आपके दरवाजे के नीचे से कोई पैम्पलेट लगा के चला जाता था। ठीक है, या फिर आपके दरवाजे पे कोई पैम्पलेट लगा के चला जाता, चाहे पिज्जा हट का हो, चाहे डोमिनोज का हो। पहले होते थे, अब तो खैर लॉकडाउन में नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपके घर के पास, आपके घर के अंदर लोग पैम्पलेट्स डाल के चले जाते थे। वो बताते थे कि हमने ये गुड्स, ये सर्विसेज बेचे। ठीक है, आपने टिफिन सर्विसेज के आपने बहुत सारे देखे होंगे, लोग टिफिन सर्विसेज के पैम्पलेट्स बांट देते हैं। आसपास कोई सेल लग रही होती है, उसके पैम्पलेट्स बांट देते हैं। कोई शॉप ओपन हुई है, वो सैंपल बांट देते हैं। टीवी पे आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी होगी नापतोल जैसी कि हाँ भाई तुरंत कॉल कीजिए, स्टॉक भाई 15 मिनट में खत्म होने वाला है। ये सारी आपने एड्स देखी होंगी।
अल्टीमेटली बच्चों वो क्या कर रहे हैं एड के अंदर, उसके एड के अंदर वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, देखिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप तुरंत फोन घुमाइए, तुरंत ईमेल कीजिए, तुरंत ऑर्डर बुक कीजिए और अपना प्रोडक्ट लीजिए। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, वो किसी मीडियम के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पैम्पलेट हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, किसी भी थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और आपसे ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं ओवर मेल या फिर ओवर टेलीफोन। तो बच्चों इसी को बोला जाता है मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउस मतलब ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो मेल के थ्रू, जो टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर्स बुक करते हैं और फिर बाय पोस्ट या फिर डिलीवरी करके वो अपने ऑर्डर्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेल का मतलब ईमेल नहीं है, मेल का मतलब है किसी मीडियम के थ्रू, चाहे आप फोन के थ्रू करो, चाहे ईमेल के थ्रू करो, चाहे किसी और मीडियम के थ्रू आप अपना ऑर्डर बुक कर रहे हो और फिर वो होम डिलीवरी आपके घर तक वो सामान पहुंचा रहे हैं। ऐसे रिटेलर्स को बच्चों क्या बोला जाता है, मेल ऑर्डर हाउसेस बोला जाता है। तो बच्चों ये तो हमारा एक एग्जाम्पल, अब जरा इसको रीड करते हो समझते हैं कि क्या दे रखा है। तो बच्चों क्या दे रखा है, मेल ऑर्डर हाउसेस आर द रिटेल आउटलेट्स That sell merchandise through mail. बच्चों through mail का मतलब होता है by post, by delivery. ये चीज समझ में आ रही है? There is generally no direct personal contact. मतलब यहाँ पर आप रिटेलर्स के संग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हो। जैसे अगर आप मैं चेन स्टोर की बात करूं तो आप बकायदा शॉप के अंदर जाते हो, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूं तो बकायदा शॉप के अंदर जाते हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो ही नहीं। आपने उनका पैम्पलेट देखा या एडवर्टाइजमेंट देखी, उसको देख के आपने ऑर्डर दिया, आपने वहां पर रिटेल आउटलेट के ओनर से वहां के लोगों से बात नहीं करी। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। आई होप बच्चों आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, ऑन रिसीविंग द ऑर्डर्स द आइटम्स आर केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिकेशन आस्क्ड फॉर द बायर्स एंड आर कंपाइल्ड थ्रू विद द पोस्ट ऑफिस। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उनके पास ऑर्डर आ जाता है, वो चेक करते हैं कि आपने क्या स्पेसिफिकेशन से ऑर्डर भेजा है, उसके बाद वो ऑर्डर को कंपाइल करते हैं, फिर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देते हैं। मतलब वो डिलीवरी आइटम्स के थ्रू आपके घर तक वो डिलीवर करवा देते हैं। ठीक है, मेन चीज जो बच्चों आपके मतलब की है वो ये दे रखी है, देयर कैन बी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द रिसीविंग पेमेंट। मतलब अलग अलग तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑर्डर बुक कर दिया, उन्होंने सामान भी भेज दिया, लेकिन पेमेंट कैसे होगा। एक तो सबसे बच्चों पहला तरीका होता है क्या, प्री पेमेंट करना, पूरा पैसा एडवांस में पेमेंट कर देना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं आप लोग जैसे जो होते हैं चालाक, उनको लगता है कि कोई ये घपलेबाजी तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है जिसने हम संग प्रैंक किया हो, गलत एडवर्टाइजमेंट करी और ऑर्डर ले ली हो और पैसे लेके वो भाग जाए। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं, हम क्या देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, जब हमारे हाथ में प्रोडक्ट आएगा तभी हम उस चीज की डिलीवरी देंगे। तो बच्चों यही दो मेन मेथड होते हैं, पहला या तो प्री पेमेंट कर दो या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर दो। तो बच्चों यही चीज हम पढ़ने वाले, द कस्टमर मे बी आस्क्ड टू मेक फुल पेमेंट इन एडवांस। तो पहला तरीका क्या, आप एडवांस में फुल पेमेंट ले लो, लेकिन कस्टमर ज्यादातर ये काम नहीं करेंगे। तो दूसरा इन्होंने क्या बोला, जरा रीड करेंगे, द गुड मे बी सेंट बाय वैल्यू पेबल पोस्ट। आई रिपीट, क्या बच्चों बुद्धि रखा है, वैल्यू पेबल पोस्ट। अंडर दिस अरेंजमेंट द गुड्स आर सेंट थ्रू पोस्ट एंड आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर Only on making the full payment for the same. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे by post हम चिट्ठी भेजते हैं, by post हम parcel भेजते हैं, वैसे ही हम by post एक तरीके का post होता है जिसे क्या बोला जाता है, value payable post। मतलब एक तरीके का कैश ऑन डिलीवरी। हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस से बोलते हैं कि ये आप उनको पार्सल देना, और पार्सल तभी देना जब वो आपको इतना पेमेंट कर दे। या कुछ ही समझ में आ रही है? तो ये क्या हो रहा है, कैश ऑन डिलीवरी हो रहा है, आपके घर पे पोस्टमैन आएगा, वो आपको पार्सल देगा और आपसे पैसे ले लेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसे बोला जाता है वैल्यू पेबल पोस्ट। जैसे कैश ऑन डिलीवरी होती है, वही चीज पोस्ट ऑफिस भी करता है, और उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया है, वैल्यू पेबल पोस्ट। बच्चों ये वन मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्या दे रखा है बच्चों, थर्ड, द गुड मे बी सेंट थ्रू अ बैंक। बैंक के थ्रू भी सामान भेजा जा सकता है, विच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द आर्टिकल टू द कस्टमर। मतलब वो एक बैंक के थ्रू आपसे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट देंगे और फिर उनसे पैसे ले लेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, रीड करेंगे, इन दिस अरेंजमेंट देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द बायर्स ओनली आफ्टर ही मेक्स अ फुल पेमेंट। मतलब दोनों ही, मतलब सेकंड मेथड थर्ड मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, पहले पोस्ट ऑफिस वाले बैंक वाले आपसे पैसे ले लेंगे,
फिर आपके हाथ में वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। और पहले वाले मेथड में क्या था, फुल पेमेंट एडवांस में किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। और लास्ट पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, हाउएवर देयर इज नीड टू एंश्योर द बायर्स दैट द गुड्स डिस्पैच आर इन अकॉर्डिंग विद देयर स्पेसिफिकेशन। मतलब बस ये कि इनको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आते तो पार्सल के अंदर है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो गुड्स उन्होंने भेजे हैं वो आपके तय मुताबिक आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सामान भेजा हो। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मेल ऑर्डर हाउसेस क्या होते हैं। आगे रीड करते हैं बच्चों क्या दे रखा है, आगे रीड करेंगे बच्चों क्या दे रखा है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल गुड्स दोज आर पेरिशेबल इन नेचर और आर बल्की एंड कैन नॉट बी इजिली हैंडल्ड आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मेल हाउस ट्रेडिंग। मतलब इन्होंने बोला कि हर एक गुड को हम मेल ऑर्डर के थ्रू नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि गुड्स होते हैं कुछ पेरिशेबल नेचर के, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी होने में टाइम लग सकता है, तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाएंगे। बच्चों पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं जिनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, इसलिए इनको नहीं भेजा जा सकता। और दूसरे जो गुड्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनको इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता, इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे गुड्स को भी हम मेल ऑर्डर के थ्रू नहीं भेज सकते। तो किस तरीके के भेज सकते हैं बच्चों, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है या 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है, ओनली दो गुड्स दैट कैन बी ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, इजीली ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, हैव अ रेडी डिमांड इन मार्केट, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर, इन्वॉल्व लीस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड कैन बी डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स आर सुटेबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो बच्चों इन्होंने ये 6 पॉइंट दे रखे हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन से टाइप के गुड्स हम मेल ऑर्डर के थ्रू करने चाहिए। पहला, गुड्स को हम ग्रेड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम बहुत ही कम कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्यों? अगर महंगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई तो अल्टीमेटली कस्टमर को महंगा पड़ेगा, कस्टमर नहीं खरीदेगा। तीसरा, जो डिमांड में हो प्रोडक्ट, जो डिमांड में नहीं है वो बिकेगा ही नहीं। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी में आप अवेलेबल करा सको थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ऐसा ना हो कि इसकी शॉर्टेज हो जाए। और लास्ट पॉइंट भी, जो फिफ्थ पॉइंट है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिशन। क्यों? अगर वो उनके घर के आसपास मिलता होगा तो वो आपसे फोन करके या मेल के थ्रू ऑर्डर करके नहीं मंगाएंगे, उनको टाइम में वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनको घर के बगल में मिल रहा है तो वो वहां से खरीद लेंगे, ठीक है। और जिनको पिक्चर्स के थ्रू समझाया जा सकता हो वो बेस्ट रहते हैं इन टाइप के गुड्स के लिए जो मेल ऑर्डर के थ्रू करे जा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे रीड करेंगे बच्चों क्या दे रखा है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिकार्ड इज दैट मेल हाउसेस कैन नॉट बी सक्सेसफुली कैरिड आउट अनलेस एजुकेशन इज वाइड स्प्रेड। बिल्कुल सही, मतलब आप ये बिजनेस तब तक नहीं सक्सेसफुल कर सकते जब तक आसपास के लोग एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि आसपास के लोगों को लगता है भैया फोन पे हमने ऑर्डर दिया है, हमसे पैसा मांग रहे, सामान आएगा नहीं आएगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब वो कंफ्यूज होते हैं। तो मतलब अगर ऐसे लोग अगर एजुकेटेड नहीं है इस टाइप के बिजनेस के बारे में तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। इट इज सो बिकॉज ओनली द लिटरेट पीपल कैन बी रीच थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। और जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देख के क्या करेंगे, उसमें चाट मसाला रख के खाना चालू कर देंगे। तो ऐसे में एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, तो लोग लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, तभी ये मेल ऑर्डर हाउसेस बिजनेस आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे हम इनके एडवांटेजेस के बारे में, मेल ऑर्डर हाउसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो एडवांटेज दे रखा है हमारे सामने वो है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। रीड करेंगे फिर समझेंगे कि इसके अंदर क्या दे रखा है। मेल ऑर्डर बिजनेस डज नॉट रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, देयरफॉर इट कैन बी स्टार्टेड विद रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ कैपिटल। जस्ट बिकॉज बच्चों यहाँ पर आप फोन के थ्रू या मेल के थ्रू ऑर्डर बुक कर रहे हो, आप उनकी शॉप पर नहीं जाते हो, तो उनके पास शॉप खरीदने का, स्टोर रूम खरीदने का या फिर प्लेस लेने का इतना बर्डन नहीं होता है, तो वो इजिली कम पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने घर से ही मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? आप पैम्पलेट बंटवा दो, आपके पास ऑर्डर आएगा, आप कहीं से प्रोडक्ट खरीद के उनके पास भिजवा दोगे। तो ऐसे में क्या है, आप घर से ही काम कर रहे हो, तो आपको कोई शॉप लेने की, चाहे रेंट पे चाहे खरीदने की, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर इज दैट अननेसेसरी मिडलमैन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स आर एलिमिनेटेड। दिस मे रिजल्ट अ लॉट इन सेविंग्स बोथ टू द बायर्स एंड एज वेल एज टू द सेलर्स।
बहुत सही, जस्ट बिकॉज बच्चों यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट वाले ने आपको एडवर्टीजमेंट किया टीवी से, डायरेक्टली आपने एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट डायरेक्टली आपके घर पर आया, तो डायरेक्टली आपने फोन करके उस सेलर से आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ऐसे में कोई भी मिडलमैन नहीं आया, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ गई। सिमिलरली सेलर को भी कम पड़ गई, सेलर आपको सस्ता दे पाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा और आपको भी सस्ता प्रोडक्ट पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी दो एडवांटेजेस, पहली थी हमारी लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम पैसों में मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और दूसरा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। बच्चों और भी हैं, पांच है हमारे पास टोटल, दो पढ़ ली है, तीन और पढ़नी है। तीसरा बच्चों क्या दे रखा है, एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। सिंस मेल ऑर्डर हाउसेस डू नॉट एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स, देयर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कैश बाय द कस्टमर, जस्ट बिकॉज जैसे बच्चों हमने पहले पेमेंट क्या देखा था, या तो प्री पेमेंट हो जाता है फुल में, या फिर कैश ऑन डिलीवरी होता है, किसी भी तरीके का यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस में बैड डेट होने का चांस ही नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज। चौथा क्या देगा बच्चों, वाइड रीच, अंडर दिस सिस्टम गुड्स कैन बी सेंड टू ऑल प्लेसेस हैविंग पोस्टल सर्विसेज, दिस ओपन वाइड स्कोप फॉर बिजनेस एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द कंट्री कैन बी सर्व थ्रू मेल। बच्चों यहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट करी, वो एडवर्टाइजमेंट थ्रू आउट द इंडिया जाएगी, ठीक है, आपने पैम्पलेट बांटे वो थ्रू आउट द सिटी जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है आपको बहुत वाइडर रीच मिल जाती है, ठीक है, और जहां पे पोस्टल सर्विसेज होती है वहां पे तो आप अपने पोस्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट भी भेज सकते हो। अदरवाइज के बच्चों अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इंडिया भर में कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे, तभी तो ये बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज है, अमेजोन कंपनी हो गई, आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी होगी, स्नैपडील कंपनी होगी, बच्चों ये तो अपने खुद के डिलीवरी सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, खुद ही अपने पोस्टल ऑफिसेस एक तरीके उन्होंने बना लिए कि वो ऑर्डर इधर से उधर भेज देते हैं। वैसे ही पोस्ट के थ्रू भी हम जहां जहां पर पोस्ट अवेलेबल है वहां वहां तक आप सामान पहुंचा सकते हो, मतलब आपकी रीच थ्रू आउट द कंट्री हो जाती है इस मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर। और लास्ट बच्चों आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, कन्वीनियंस, रीड करेंगे, अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, मतलब आपको होम डिलीवरी मिल रही है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, दिस रिजल्ट इन अ ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाय दिस प्रोडक्ट। तभी तो लोग आजकल ऑनलाइन प्रेफर ज्यादा करते हैं क्योंकि वो मोबाइल में देख के या पैम्पलेट के देख के एडवर्टीजमेंट के थ्रू देख के ऑर्डर बुक कर देते हैं और उनके घर पे ही पैसे लेने आते हैं लोग, उनके घर पे वो डिलीवर करके जाते हैं, तो इससे ज्यादा कस्टमर को सहूलियत कैसे मिलेगी, ये चीज क्लियर हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे पांच एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। अब बच्चों बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में, क्या ये बिल्कुल बढ़िया है या इनमें भी कुछ कमियां हैं, तो यस इनमें भी काफी कमियां हैं, तो सात कमियां हमको दे रखी हैं, जरा एक एक करके इनको हम करेंगे रीड। पहला बच्चों क्या दे रखा है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, रीड करेंगे, देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स अंडर दिस सिस्टम ऑफ मेल ऑर्डर सेलिंग, देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसट्रस्ट बिटवीन द टू, there the buyer are not in a position to examine the product before buying and the seller cannot pay personal attention to the likes and dislikes of the buyers and cannot clear all the doubts through the catalogs and advertisement। मतलब यहाँ पर वन टू वन कॉन्टैक्ट तो हो नहीं रहा, आपने फोन के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपने ऑर्डर बुक किया है, तो ऐसे में आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट डायरेक्टली तो है नहीं, एज अ कस्टमर आप प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते हो, यूज करके नहीं देख सकते हो, जैसे मोबाइल होता है फीचर चला के देख लेते हो, कपड़ा होता है टच करके देख लेते हो, चेक करके देख लेते हो कि अभी आपको फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, शूज होता था पहन के देख लेते हो, यहाँ पर एट द सेम टाइम जो सेलर होता है वो आपको ज्यादा पिच नहीं कर पाता, उसने तो सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वो आपके लाइक्स क्या, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आपको और कौन से प्रोडक्ट पसंद आ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को वो क्लियर नहीं कर पाता थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट, तो ऐसे केस में ये लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, ये चीज क्लियर हो गया। मतलब बायर अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट करके प्रोडक्ट नहीं ला सकता और प्लस सेलर सारे डाउट्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकता, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, हाई प्रमोशन कॉस्ट, रीड करेंगे, द मेल ऑर्डर बिजनेस हैज टू रिलाई हेविली ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर मेथड ऑफ प्रमोशन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म एंड पर्सुएड द पोटेंशियल बायर टू बाय देयर प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट देयर इज अ हेवी एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। बच्चों ये तो बिजनेस चलता ही प्रमोशन के ऊपर है, अगर अमेजोन वाले प्रमोट नहीं करेंगे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी नापतोल वालों की, या फिर आपके घर के आसपास जो भी दुकानें खुली वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आपको उनके बारे में पता कैसे चलेगा,
ये आपको चीज समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में वो हैविली किस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे कस्टमर तक हमारी बात पहुंचे, कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस कर पाए और कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो यहाँ पे प्रमोशन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। पहला डिसएडवांटेज क्या देखा, लैक ऑफ पर्सनल टच, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। दूसरा हमने ये देखा, हैवी एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब बच्चों बात करते हैं हम अपने तीसरे लिमिटेशन के ऊपर, और क्या दे रखी है तीसरी लिमिटेशन, नो आफ्टर सेल सर्विसेज। बच्चों ये अब तो सुधर गया है, लेकिन पॉइंट दे रखा है तो रीड कर लेते हैं। इन मेल ऑर्डर सेलिंग द बायर्स एंड सेलर्स मे बी लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू, एज अ रिजल्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है कि मान के चलो कोई प्रोडक्ट आ गया आके पास, कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, कुछ कस्टमर केयर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर इंटरनेट के थ्रू सॉल्व करना हो तो बच्चों इंटरनेट के थ्रू सॉल्व हो जाता है, कस्टमर केयर पे फोन कर देते हो। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ गया तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सीधा आपको सर्विस सेंटर भागना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको जितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ पे तो लिखा हुआ नो आफ्टर सेल सर्विसेज, बट बच्चों आज के दौर के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज तो कंपलसरी हो गई हैं, और ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा अब कम हो गया। अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के थ्रू, नो क्रेडिट फैसिलिटीज। द मेल ऑर्डर हाउसेस डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द बायर्स, दस कस्टमर विद लिमिटेड मींस मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। एक एडवांटेज देखा था यहाँ पे बैड डेट नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें कैश सेल्स होती है, और प्लस यहाँ पे लिमिटेशन भी है क्योंकि हम क्रेडिट सेल्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो जिनकी इनकम कम होती है, जो इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं, जो उधार पे खरीदना चाहते हैं, वो ऐसी चीजों को प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कैश में खरीदी जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, डिले डिलीवरी। बच्चों ये पॉइंट तो हर एक रिलेट कर सकता है। जैसे हम एक ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, हम उसके देख लेते हैं कि शिपमेंट हुआ नहीं हुआ, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, हमारा इंतजार बढ़ना चालू हो जाता है। तो बच्चों जैसे हम ऑर्डर बुक करते हैं तो उसके बाद हमको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एज रिसीव्ड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मेल्स टेक इट्स ओन टाइम, थोड़ा टाइम इसके अंदर लग जाता है। सिक्स पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, रीड करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज, मांगा कुछ भेजा कुछ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज टू द डिसऑनेस्ट ट्रेडर टू चीट द कस्टमर बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑनरिंग द कमिटमेंट मेड थ्रू बिल्स और एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या, आपने उन्होंने कुछ गलत एडवर्टाइजमेंट दे दी और गलत फेक उन्होंने बता दिया कि प्रोडक्ट के अंदर ये सारे फीचर्स है, और आपने वो फीचर्स सोच के आपने क्या कर दिया, उनका ऑर्डर बुक कर दिया, और जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आया, आपने पेमेंट कर दिया, उस पता लगा इसके अंदर तो कुछ वैसा था ही नहीं जैसा बताया गया, तो ऐसे में आपको लूट लिया गया। तो ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है किसकी, मेल ऑर्डर हाउसेस की। और लास्ट पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है इस लिमिटेशन का, हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस। द सक्सेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस डिपेंड्स हेविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज एट अ प्लेस, बट इन अ वास्ट कंट्री लाइक अस वेयर मेनी प्लेसेस आर स्टिल विदाउट पोस्टल सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज लिमिटेड प्रोस्पेक्ट। मतलब ये कि ये जो बिजनेस है वो डिलीवरी सिस्टम पर चलता है, और तो अगर आपकी सिटी के अंदर, आपके एरिया के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं होगा या फिर पोस्टल सर्विसेज नहीं होंगी तो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे के अंदर ये बिजनेस पूरे इंडिया में नहीं फैल सकता, क्योंकि जहां पर पोस्टल सर्विसेज नहीं होगी वहां पर ये अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा मेल ऑर्डर हाउसेज, जिसके अंदर हम टेलीफोन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मेल के थ्रू अपना ऑर्डर बुक करते हैं, फिर वो डिलीवरी करते हैं। इसके हमने एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे। तो बच्चों ये हमारा लार्ज रिटेलर्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए। बच्चों ये हमारा सिलेबस, सबसे पहले बच्चों हमने इंटरनल ट्रेड देख लिया, उसका मीनिंग देख लिया, उसका टाइप देख लिया, और फिर हमने देख लिया सर्विसेज रेंडर बाय रिटेलर एंड अ होलसेलर, ये टॉपिक भी हमने देख लिया। सेकंड बच्चों टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड भी देख लिया, इटिनरेंट रिटेलर्स देख लिया और स्मॉल फिक्स शॉप्स रिटेलर्स देख लिया, ठीक है, ये हमने टॉपिक देख लिया। फिर बच्चों हमने लार्ज स्केल रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर कॉन्सेप्ट देख लिया, और यहाँ पर हमको मेल ऑर्डर बिजनेस है ये भी हमने देख लिया। मतलब बच्चों हमने 90% चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर इसके अलावा और भी टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे सुपरमार्केट दे रखा है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव दे रखा है। तो बच्चों ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ,
ठीक है, अगर आपके स्कूल में टीचर्स करवाते हैं, बोलते हैं एग्जाम में पूछेंगे, तो बच्चों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए स्पेशली वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अब बच्चों सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हमारे इस चैप्टर का, दैट इज जीएसटी कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स की फीचर्स। ठीक है, तो बच्चों हम जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी क्या है, एक इंट्रोडक्शन है बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना इसे पढ़ना है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों रीड करते हैं आज का फाइनल टॉपिक, दैट्स इट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। रीड करेंगे और रीड करते करते समझेंगे इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या है और कैसे हमको पढ़ना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग द क्रेडिट ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स एंड वांटिंग अ यूनिफाइड मार्केट इन ऑर्डर टू एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम 1 July 2017। The moves also aim to make life easier for manufacturers, producers, investors and consumers. बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 July को क्या किया था, जीएसटी को लॉन्च किया था, जीएसटी टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था। तो सबसे पहली बात, वन मार्क के लिए क्वेश्चन क्या है, जीएसटी कब आया था, 1 July 2017 को आया था। उसकी थीम क्या थी, वन नेशन वन टैक्स, मतलब अगर एक ही कंट्री है तो उसके अंदर टैक्स भी कितना लगना चाहिए, एक ही तरीके का टैक्स उसके अंदर लगना चाहिए। और ये टैक्स मेनली इसलिए लेकर आया था क्योंकि टैक्स, इस टैक्स से आने से पहले बहुत अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते थे, जिससे जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे, मैन्युफैक्चरर्स होते थे, इन्वेस्टर्स होते थे, कंज्यूमर्स होते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी टैक्स का कंप्लायंस करने में। अलग अलग तरीके के टैक्स जमा करने पड़ते थे, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के संग लेन देन का काम होता था, टैक्स जमा कर रहे हो, रिफंड लेना, बहुत अलग अलग तरीके के काम होते थे। तो ऐसे में प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के टैक्सेस को हटा दिया और उसकी जगह पे सिर्फ एक टैक्स ले आया, दैट इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। मैं पहले आपको ये रीड करवाना चाहता हूं, साइड में आना जरा। द जीएसटी हैज रिपेड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब ये समझ लो एक टैक्स के बदले में कितने टैक्स हटा दिए, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए, जिसमें 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे और 9 स्टेट लेवल के टैक्स थे। मतलब इन टोटल 17 टैक्सेस को हटाया गया, प्लस 23 सेसेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट्स एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स एंड असेसमेंट एंड रेशनलाइजिंग द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग द सप्लाई चेन फॉर्म फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। बड़ी अजीब अजीब सी लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। बच्चों होता क्या है, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो तो गवर्नमेंट के संग आपको पेपर की फाइलिंग बहुत सारी करनी पड़ती है, ठीक है। पेपर के प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं कि आपने कितना टैक्स जमा किया, कितना बनता था, कितना सेल करी, ये सारी फाइलिंग, सारी रिपोर्ट्स किसके पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के अपने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने 8 अलग तरीके के टैक्सेस होते थे, स्टेट गवर्नमेंट के अपने 9 तरीके के अलग टैक्सेस होते थे, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना एक अलग टैक्स होता था, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेट के पास अपने रिपोर्ट्स जमा कराने पड़ते थे, जिस भी स्टेट में आप काम करते हो। तो ऐसे में केस में क्या था, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो ये कहते थे हम टैक्स का काम ही करते रह जाएंगे या फिर अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। आप मान के चलो देश के सारे स्टेट में आपका काम है, तो आपको हर एक स्टेट की गवर्नमेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, हमने कितना सेल किया, आपने कितना टैक्स जमा किया, कितना बनता था। तो ऐसे में काम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, आपका आधे से ज्यादा पैसा तो ये रिपोर्ट्स फाइल करने में ही लग जाएगा, क्योंकि आप तो आएगा नहीं, आप लोगों को अपॉइंट करोगे, आपकी सैलरी इतनी खर्च हो जाएंगी। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने 17 अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया, 23 सेसेस को हटाया। बच्चों सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, आई रिपीट, टैक्स ऑन टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स से 17 हटाए, 23 सेसेस हटाए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जिससे आपको अलग अलग गवर्नमेंट के पास अपने रिटर्न्स जमा कराना। बच्चों रिटर्न्स का मतलब होता है फाइलिंग करना, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, अपने रिटर्न्स जमा कराने में जो भी प्रॉब्लम होती थी सारी खत्म कर दी, ठीक है। अब मान के चलो कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास टैक्स तुमने गलत जमा कराया, तो वो अपनी अलग प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे, ठीक है। मान के चलो यूपी गवर्नमेंट ने बोला आपने टैक्स जमा कराया, ठीक है, अच्छा जमा कराया, बिल्कुल सही जमा कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं हमारे पास टैक्स कम आया, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे पास टैक्स कम आया। आसाम गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे पास टैक्स कम आया। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं आगरा में बैठ के बिजनेस करूं या मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जवाब दूं, या फिर मैं गुजरात की गवर्नमेंट को जवाब दूं, या फिर मैं आसाम की गवर्नमेंट को जवाब दूं? अब मैं 3 जगह फैल के काम करूंगा तो मैं अपना बिजनेस कब करूंगा? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हम ये सारे टैक्सेस हटा देंगे और एक टैक्स ले आएंगे, क्योंकि आपको फिर एक टैक्स को ही आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे और फिर आपको एक ही गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, एक ही डिपार्टमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मल्टीपल टैक्सेस को हटाया गया, एक टैक्स लाया गया, दैट इज जीएसटी, ठीक है।
ये चीज क्लियर हो गया। तो जीएसटी आने से आपकी मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग्स मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जो जमा होते हैं वो कम हो गए, अलग अलग गवर्नमेंट जो असेसमेंट करती थी कि आपने टैक्स सही जमा कराया कि नहीं कराया वो भी कम हो गया, आप सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट असेस करेगा, ये सारी आपकी चीज है। और इसके संग संग पूरे स्टेट के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर आप आराम से गुड्स एंड सर्विसेज को भेज सकते हो, बेच सकते हो, ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बच्चों आपको पता होगा दो तरीके के टैक्स लगते हैं जीएसटी के अंदर, एक लगता है हमारा सीजीएसटी, एक लगता है हमारा एसजीएसटी, ये चीज तो आपने पढ़ी थी। हाँ पढ़ी थी, अब जरा इसकी थोड़ी गहराई के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक जरा छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। बच्चों मान के चलो ये है हमारा प्यारा सा यूपी, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा सा एमपी, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ये यूपी है और ये एमपी है। तो अगर मैं बच्चों यूपी में कुछ सामान खरीद कर यहां पर बेच रहा हूं, मतलब यूपी के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूपी से बाहर नहीं हो रहा है, तो दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है हमारा सीजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल जीएसटी, और दूसरी फुल फॉर्म क्या है एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी, मतलब आपको टैक्स लगता है जिसमें सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, ये चीज क्लियर हो गया। तो मतलब विद इन अ स्टेट जब आपका ट्रांजैक्शन होता है तो दो तरीके के टैक्स लगते हैं, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब टैक्स एक ही है, उसके दो सब पार्ट्स कर दिए है, टैक्स जीएसटी लेकिन उसके दो सब पार्ट्स करते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जब एक ही स्टेट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम इंट्रा स्टेट बोलते थे, आई रिपीट क्या बोलते थे बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं तो दो तरीके के सब टैक्स लगते हैं, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा किसके पास जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और एसजीएसटी का पैसा किसके पास जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब यूपी का सामान एमपी में भेजा गया, ठीक है, एमपी का सामान गुजरात में भेजा गया, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो एक अलग तरीके का टैक्स लगता है, दैट इज आईजीएसटी, मतलब है जीएसटी लेकिन आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई रिपीट क्या है बच्चों फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड जीएसटी। बच्चों जैसे मान के चलो ये 9% था, ये 9% था, टोटल टैक्स कितना लगा 18% ही टैक्स लगा, तो यहां पे आईजीएसटी 18% का टैक्स लगता है, मतलब एक सिंगल रेट में हम टैक्स लगा देंगे, ये चीज समझ में आ रही है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या बोला। बच्चों सिंपल वर्ड्स में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला, जब हमारा विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं तो टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो टैक्स का रेट कितनी हमारी 10% है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसके दो सब पार्ट्स होते हैं, एक होता हमारा सीजीएसटी और एक होता बच्चों हमारा एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी हमारा कितना लगेगा 5% लगेगा, ठीक है, और एसजीएसटी भी कितना लगेगा बच्चों 5% लगेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ओके। टैक्स 10% है लेकिन उसके हमने दो सब पार्ट कर दिए, सीजीएसटी 5% एसजीएसटी 5%, मतलब कस्टमर की जेब से 10% टैक्स ही जाएगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5% पहुंचेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 5% पहुंचेगा, ये चीज क्लियर हो गई सर। हाँ ये समझ में आ गया। मान के चलो बच्चों ये था हमारा यूपी और ये है हमारा एमपी, ठीक है। अब बच्चों यहां से यहां ट्रांजैक्शन हुआ, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहां पे एक तरीके का टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। अब बच्चों जैसे गुड्स वही था, टैक्स कितना लगना चाहिए था 10%, तो यहां पर हम सिंगल रेट से टैक्स लगा देंगे 10% का। आई रिपीट कितने से लगा देंगे टैक्स, सिंगल 10% से टैक्स लगा देंगे। विद इन अ स्टेट हमने बाइफर्केशन कर दिया था, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो बच्चों हम सिंगल रेट से क्या कर देते हैं, एक रेट लगा देते हैं 10% लगा देते हैं आईजीएसटी, ठीक है। इसको बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है उसे बोलता है इंटर स्टेट, और जब विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो सब पार्ट्स हो जाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, और जब एक ही स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन होता है तो एक ही तरीके का टैक्स लगता है जिसे बोला जाता है आईजीएसटी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। रीड करते हैं बच्चों आगे क्या दे रखा है। जीएसटी इज कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी
subsuming levies previously charged by central and state government respectively. मतलब क्या, अब सिर्फ दो ही तरीके दे सकते हैं, CGST और SGST, और इसके अंदर सारे मिला दिए गए जो पहले गवर्नमेंट 17-18 तरीके के टैक्स लगाती थी, अब सब इसके अंदर मिला दिए गए, अब सिर्फ दो तरीके के टैक्स आ गए इसके अंदर. मतलब है एक टैक्स, एक ही जीएसटी, उसके दो सब पार्ट हो गए, CGST और SGST. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा बट तो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, आगे रीड करते हैं बच्चों क्या दे रखा है इसके अंदर, वापस आते हैं. This system is regarded as the most revolutionized tax reforms in the Indian taxation in history. मतलब इसको बहुत ही ज्यादा revolutionized बोला गया था कि भाई तब चमत्कार ही कर दिया, 17-18 taxes हटा दिए, सिर्फ एक tax ले आए सबके बदले में. ठीक है, tax apart from being a source of revenue for the growth also play a key role in the making the state accountable to its taxpayer. मतलब taxes एक तो government को पैसा तो आता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे government की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि अब government को जवाब देना पड़ेगा अपने citizens को, अपने टैक्स पेयर्स को, कि वो उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट इज नाउ अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज नाउ आंसरेबल टू इट्स टैक्स पेयर, कि वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं. इफेक्टिव टैक्सेशन एंश्योर दैट पब्लिक फंड्स आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड इन फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम ये कहता है जो भी पब्लिक का पैसा आया टैक्स के फॉर्म में, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, समाज सेवा के लिए अच्छे से यूज किया जाए. ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया. आगे रीड करते हैं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर. जीएसटी क्या बच्चों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां प्रोडक्ट जा रहा है उसी की स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा. आई रिपीट, जहां प्रोडक्ट जा रहा है, जिस प्रोडक्ट, जहां पर प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा, वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा. जैसे बच्चों अगर यूपी का, यूपी में ही ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कहां पहुंचा, यूपी में पहुंचा, तो टैक्स किसको मिलेगा, यूपी को, गवर्नमेंट को मिलेगा. लेकिन अगर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब यूपी का एमपी में हुआ है, तो टैक्स किसके पास जाएगा, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. तो यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है डेस्टिनेशन बेस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है. तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, तो जिस स्टेट पे प्रोडक्ट जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट मिलेगा. इसलिए इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स सिस्टम. ठीक है, आगे रीड करेंगे, GST is the destination based single tax on the supply of goods and services from manufacturer to customer and has replaced multiple indirect taxes levied by central and state government, thereby converting the country into a unified market. मतलब वही बात इन्होंने बोली है, GST एक single tax है, उसको हटा के सारे government ने इतने सारे taxes को हटा दिया है और क्या बन गया, एक unified market, एक single market बन गया. ठीक है, आगे क्या दे रखा है बच्चों, among the other benefits, GST is improved the ease of doing business and tax compliance, reducing the burden by eliminating tax on tax, improving tax administration, mitigate tax evasions, broaden the organized segment of economy and boost tax revenues. मतलब benefits इसके दे रखे हैं, GST आने से बच्चों business करने के तरीके में बहुत सुधार आया. पहले क्या होता, जब कोई बड़ा business होता था तो उसे हर state government की government के पास अपना पैसा जमा कराना पड़ता था tax का. ठीक है, अपने reports, अपने documents जमा कराने पड़ते थे. लेकिन अब क्या है, एक single tax system आ गया, तो बस वो एक बार जमा कराता है documents, अपने आप systems के through उनकी government के पास spread होकर पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी tax compliance, कंप्लायंस का मतलब होता है रिपोर्ट्स वगैरह जमा कराना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इसके अलावा अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, कहीं कहीं पे क्या होता था बच्चों, टैक्स पर टैक्स लगता था, अब वो भी एलिमिनेट कर दिया. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल हो गया, मतलब पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, अलग अलग गवर्नमेंट्स को अलग अलग तरीके से टैक्स अपना काम करना पड़ता था. अब सिंगल सिस्टम हो गया, तो अब सिंगल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्ट्रेट कर पा रही है अपने टैक्स सिस्टम को. ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक प्लेन रीडिंग लगाना और छोड़ देना. ठीक है, मिटिगेट टैक्स इवेजन, जो पहले लोग टैक्स चोरी करते थे उसको खत्म करने के लिए उन्होंने सिंगल टैक्स सिस्टम लिया है. आप एक बार रिपोर्ट फाइल करोगे, सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे और वो देख पाएंगे कि उनके पास वो टैक्स पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ऐसे में उनको पता लग जाएगा कि टैक्स की चोरी कहां हो रही है. और इस तरीके से हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बच्चों ये था हमारा अभी तक का जीएसटी, जो अभी तक हमने पढ़ा. आई रिपीट, जीएसटी क्या है बच्चों, एक सिंगल टैक्स सिस्टम है जो थ्रू आउट द कंट्री लगता है. ठीक है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है बच्चों. इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है. कस्टमर की जेब से टैक्स का पेमेंट होता है, कस्टमर शॉपकीपर को पैसा देता है और फिर शॉपकीपर गवर्नमेंट के पास जमा कराता है. तो बच्चों ये एक इनडायरेक्ट रूट है पैसा जमा कराने का गवर्नमेंट के पास.
ठीक है, किसकी जेब से पैसा जा रहा है, कस्टमर की जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन जमा कौन करा रहा है, गवर्नमेंट के पास, शॉपकीपर जमा करा रहा है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, पूरी कंट्री में सिंगल टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। इसको हटाने के लिए 17 टैक्सेस हटाए गए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और 23 टाइप ऑफ सेस, CESS 23 सेस हटाए हैं। सेस भी एक तरीके का टैक्स ही होता है, मतलब 17 मेन इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेसेस हटाए गए हैं, और उसकी जगह पे क्या लेकर आया गया, एक सिंगल जीएसटी लेकर आया गया है। और जीएसटी लाने से ये क्या बात हुई, आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सुधर गया, ठीक है, टैक्स की चोरी कम हो गई, इसके अलावा आपके टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज हो गए, और कस्टमर को, अपने बिजनेसमैन को टैक्स की कंप्लायंस करना, रिपोर्ट सबमिट करना भी बहुत ईजी हो गया। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों हम बात करने वाले इनके की फीचर्स के बारे में, की फीचर्स ऑफ जीएसटी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स एंड फॉर 4 मार्क्स, रीड करेंगे। द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरी कंट्री में ये जीएसटी लगता है। दूसरा, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब ये पहले क्या लगता था, प्रोडक्ट बनाते हो तो टैक्स लगता था, प्रोडक्ट बेचते हो तो टैक्स लगता था, अब क्या है, आपने सप्लाई कर दिया, ब्रेबली आपने फ्री में दे दिया तो भी टैक्स लगेगा। पहले बेचने पर टैक्स लगता था, अब भेजने पर टैक्स लगता है। आई रिपीट, पहले बेचने पर टैक्स लगता था, अब भेजने पर टैक्स लगता है। मतलब पहले सेल पर टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था, अब सप्लाई पर टैक्स लगता है। अगर आपने अपने पास से भेज दिया, भले आपने फ्री में भेजाओ, लेकिन आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। दैट इज जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। फिर रिपीट कर रहा हूं, बेचने पर पहले टैक्स लगता था, अब भेजने पर टैक्स लगता है। ठीक है, आगे क्या देखा बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहां प्रोडक्ट भेजा जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट मिलता है। ठीक है, जैसे अगर यूपी का यूपी में जा रहा है तो गवर्नमेंट तो यूपी की रहेगी, तो यूपी को टैक्स मिलेगा, लेकिन यूपी का प्रोडक्ट एमपी में जा रहा है तो टैक्स का अमाउंट किसको मिलेगा? बिल्कुल सही, एमपी को, गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन पहले क्या होता था, जहां से प्रोडक्ट जा रहा है उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। आई रिपीट, जहां से प्रोडक्ट जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। मतलब यूपी से एमपी में जाए, यूपी का यूपी में रहे, टैक्स किसको मिलेगा? यूपी की गवर्नमेंट को ही मिलेगा। तो पहले था ओरिजिन बेस्ड, जहां से प्रोडक्ट जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अब क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां प्रोडक्ट जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब पीछे बच्चों इसके लॉजिक क्या है, ये गवर्नमेंट ने माना है, गवर्नमेंट बताती है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे का, आपके लेवल पर इतना नहीं है, बस आप सिंपल रीडिंग कर लेना। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, पहले ये ओरिजिन बेस्ड था। ठीक है, आगे याद रखा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई and would subject to IGST in addition to the applicable custom duties. बच्चों ये पॉइंट जो है ना, मैं आपको जब इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब लास्ट चैप्टर कराऊंगा ना, तब मैं आपको इस चीज समझाऊंगा। फोर्थ पॉइंट, अभी के लिए इस पॉइंट को छोड़ दो, जब मैं आपको लास्ट चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा नहीं है, तो फिर अभी यहाँ पर समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी नहीं पता, तो पहले वो चैप्टर कराऊंगा तब आपको ये करा दूंगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर लेविड एट द रेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट अंडर द एजिस ऑफ जीएसटी काउंसिल। बच्चों मैं आपको जरा थोड़ी वर्किंग बताता हूँ इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसको बोला जाता है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं। ठीक है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि कोई भी जो भी टैक्स लगेगा हम मिलकर डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट अपनी मर्जी चला रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी चला रही है। तो इन्होंने एक टीम बनाई है और टीम डिसाइड करेगी, एग्रीमेंट में म्यूचुअली एग्री करेगी कि कौन सा टैक्स लगना चाहिए। तो जो भी हमारे टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये जीएसटी काउंसिल बताएगी, टीम बताएगी कि कितना टैक्स लगना चाहिए। आगे क्या दे रखा है, देयर आर 4 स्लैब्स ऑफ टैक्स, नेमली 5%, 12%, 18% एंड 28% फॉर ऑल गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आपको टैक्स लगेगा तो इन्हीं चार रेटों में से कोई टैक्स लगेगा, या तो 5% टैक्स लगेगा, या 12% लगेगा, या 18% लगेगा, या फिर 28% टैक्स लगेगा। इसके अलावा और कोई भी रेट और कोई भी परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है बच्चों, एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज
to SEZ are zero rated. बच्चों SEZ की फुल फॉर्म लिख लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. आई रिपीट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. गवर्नमेंट हर एक कंट्री के अंदर कुछ एरिया डिफाइन कर देती है जिसको वो नाम क्या दे देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जो भी काम होता है वो सीधा एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है. ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी काम होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सीधा एक्सपोर्ट होगा, वो इंडिया में नहीं भेजा जाएगा. तो इन्होंने क्या बोला है, जो भी सामान स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भेजा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज भेजा जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीरो रेटेड. मतलब टैक्स कितना लगेगा, 0% का टैक्स लगेगा. ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस. ठीक है, तो मतलब आप अलग अलग तरीके से टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हो. तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड, खत्म होता है अच्छे तरीके से. हो सकता है बच्चों जीएसटी आपको अच्छे से एक बार में क्लिक ना हो, आप एक बार उसको दोबारा रिपीट करके देखना, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़ा है, पापा है, मम्मी है, भाई बहन है जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनसे एक बार पूछ लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम सारी क्वेरीज जो है खत्म हो जाएंगी. ठीक है, प्लस एक बात और, अकाउंट्स के अंदर 11th के अकाउंट्स के अंदर भी आपको जीएसटी का थोड़ा सा यूज आएगा, बस आप बोर्ड देख लेना, आपके सारे डॉट्स वहां पर ही सॉल्व हो जाएंगे. टिल देन बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए. ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.